बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन रोस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने इसको सिरके और दो चम्मच नमक में भुगो के 4 घंटे के लिए रख दिया। इसको अच्छी अच्छी तरह अंदर से साफ़ कर लेना है आपने, ताकि इसका गंद ना हो, क्योंकि गंद 100 बीमारियों की जड़ होती है। इसलिए इसको जितना साफ़ करेंगे उतना अच्छा है। और इसको अच्छी तरह हाथ हाथ के साथ साफ़ करना है। अब मैं इसका पानी दो चार दफ़ा इसको चेंज करूँगी, ताकि ये सिरके का जो टेस्ट है ना वो कम हो जाए। अब इसको हम मसाला लगाएंगे। मैंने 3-4 दफ़ा इसको धो लिया, ताकि सिरके का जो जो खुशबू या टेस्ट जो होता है ना वो कम हो जाए। सबसे पहले मैं इसमें ये 2 लेमन मैंने काट के इनका जूस निकाल लिया। इसमें मैं 1 चम्मच दादर मिर्चों का डालूंगी। ये देखिए, और ये चिली मैं डालूंगी इसमें, गार्लिक चिली है वो डालूंगी, वो भी 2 चम्मच तकरीबन आपने डालनी है, 2 चम्मच। और नमक डालूंगी 1 चम्मच। ये देखिए, 1 चम्मच भर के ये लहसुन का पाउडर हम डालेंगे 1 चम्मच, एक के भी बल्कि 1.5 चम्मच डालेंगे, ये 1.5 चम्मच। और इसको हला लेना डालने के बाद ना, ताकि इसकी ना लहसुन की गुठलियाँ बन जाती हैं वो ना बने। ये अब इसमें मैं 1 चम्मच मैंने इसका डालूंगी, ये देखें भर के फुल। आधी चम्मच मैं काली मिर्चों की डालूंगी, ये आधी चम्मच मैं ये इसकी मिंट, ये धनिया और पुदीना हरी मिर्च इसकी डाल दूंगी। ये थोड़े से क्रश किए हुए पुदीने के और धनिया के पत्ते वो डाल दूंगी। और ये मस्टर्ड पेस्ट है ना वो डालूंगी। ये 1 चम्मच भर के ये डाल दूंगी, ये इसको सोया सॉस डालूंगी। ये सोया सॉस 1 चम्मच डालूंगी। अब इसको हाथ के साथ इसको थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल से ना ये बहुत अच्छा इसका कलर है, बहुत नाइस बनता है, हर चीज़ जो नुमाया नज़र आती है। ये तो अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। टोमेटो केचप के डाल देंगे। ये 1/2 चम्मच जो है ना हम जिंजर पाउडर का डाल देंगे।
ये देखिए ये पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको मसाला ये जो हमने बनाया ना ये वाला हम लगाएंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देंगे, चारों तरफ आपने अच्छी तरह से लगा देना। ये अब इधर चेंज करके लगाएंगे। अब जो इसकी जिल्द है ना इसके अंदर लगाएंगे ताकि ना अंदर मसाला जाए। ये देखिए ये मसाला हमने अच्छी तरह लगा लिया, जिलेट के अंदर भी लगाया और बीच में भी लगाया। ये देखिए इसके अंदर भी लगाया आपने ना, ऐसे ही आपने लगाना है। अब इसको हम एक घंटा पड़ा रहने देंगे। ये देखिए दो घंटे के बाद हमने निकाला, ये मैरिनेट हो गया। और ये अब इसको हम जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में बैट देंगे। और ये देखिए इसको मैं इसके अंदर लगाती हूँ। ये इसको ना हम रबड़ के साथ एक चीज़ जो लेग है ना इसको हम बांध देंगे ताकि ये जब पकता है तो फिर खुल जाता है, इस तरह ये खुलता नहीं है। इसमें मैंने नीचे पानी डाल के जंगड़ा रख के ऊपर चिकन रख दिया है जो मैरिनेट किया हुआ था। अब इसको मैं बैठ दूंगी 10 मिनट की, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा तैयार हुआ है और इतना गल गया है कि शक्ल से ही वो लग रहा है कि गला हुआ है। और ये इसमें से हमने निकाल के इसमें डाला है, इसको हमें हमारा चिकन ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और ये देखें बस इसको मैंने कलर देना है और माशाल्लाह ये इतना अच्छा और नाइस तैयार हुआ है। इसका नमक हर चीज़ परफेक्ट है, आप अपने हिसाब से आपने नमक मिर्च डालनी है। फिर मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ये ना हो कि आप ज़्यादा वो डाल लें नमक या मिर्चें तो फिर बच्चे भी नहीं खाते और बड़े भी नहीं खाते, इसलिए परफेक्ट तरीके से बनाएँ खाएँ और सदा खुश रहें। अभी ये मैं अभी इसको और कलर दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा और नाइस तैयार हुआ है और ये कितना गला हुआ है ये सामने ही नज़र आ रहा है आपको। इसका नमक हर चीज़ परफेक्ट है और इसको हम चटनी के साथ खाएंगे। साथ ये सैलड जिसको मैंने ओवन में रख के ना ज़रा सेक दे लिया और ये इससे ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसे घर में बनाएं और खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। दुआओं में सदा याद रखें, खुश रहें, सलामत रहें। और अब हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।